दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका से हारा भारत तो पाकिस्तान की टीम हुई T20 वर्ल्ड कप से बाहर। फिर भड़क उठे कप्तान बाबर आजम ने पूरे भारत देश पर निकाली भड़ास और उगला जहर। कहीं ऐसी बात की सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा। तो दोस्तों आपको बाबर का पूरा बयान बताएंगे, तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि बाबर आजम और रोहित शर्मा में से कौन है एक अच्छा कप्तान? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को T20 वर्ल्ड कप में भारत को 2 गेंदे शेष रहते 5 विकेट से हरा दिया, जहां मौजूदा टूर्नामेंट में भारत की यह पहली हार थी। तो वही दोस्तों इस मुकाबले को जीत कर दक्षिण अफ्रीका ग्रुप 2 में शीर्ष स्थान पर पहुंच चुकी है और उसका सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना भी लगभग तय हो गया है। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले में जीत के हीरो साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से लुंगी एनगेडी, जिन्होंने शुरुआत में 4 विकेट चटकाए थे। तो वहीं फिर अंत में आकर डेविड मिलर और एडन मार्करम ने मिलकर 50-50 रन की अर्धशतकीय साझेदारियों के बलबूते पर साउथ अफ्रीका की टीम को इस हारे हुए मैच में जीत दिलाई। हालांकि दोस्तों एक समय तो लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत लेगी, लेकिन जब मैच अंतिम ओवर में जा पहुंचा तब 6 गेंदों में 6 रनों की दरकार भारतीय क्रिकेट टीम को थी और भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करवाने के लिए आए। पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया, उम्मीदें बनी रही। दूसरी गेंद पर वेन पार्लेन ने 1 रन भागकर भारत की उम्मीदों को तोड़ दिया। तो वहीं फिर डेविड मिलर ने लगातार 2 चौके लगाकर मुकाबले में साउथ अफ्रीका को जिता दिया। तो ऐसे में दोस्तों साउथ अफ्रीका की जीत के बाद पॉइंट टेबल में भी टीम इंडिया अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है। तो वहीं पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम पहुंच गई है। हालांकि दोस्तों साउथ अफ्रीका भारत की टीम है तो अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार है, लेकिन यहां पर बेचारी फंस तो पाकिस्तान की टीम गई, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत की हार के साथ ही T20 वर्ल्ड कप से अब बाहर हो गई है और वो किसी भी हाल में अगले मुकाबले जीतकर भी पॉइंट टेबल में अपने आप को टॉप स्थान नहीं दे सकती, जिसके चलते पूरा भारत देश खुशी मना रहा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम इस बात की खुशी नहीं मना रहे हैं और उन्होंने बड़ा बयान देते हुए भारतीय टीम पर अपनी भड़ास निकाली है। दरअसल दोस्तों यहां पर बाबर आजम कहते हैं कि हमें उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया इस मैच को जीत लेगी, लेकिन मुझे लगता है कि टीम इंडिया जानबूझकर हारी है। अगर भारत को हमें बाहर करना ही था तो वो पहले से ही अपने इरादे साफ कर सकती थी। भारत ने शुरुआत से ही मुकाबले में अपना दबदबा बनाया ही नहीं और इस मैच को वो हारने के लिए ही खेलती रही, क्योंकि भारतीय टीम की शुरुआत ही सब बयां कर देती है कि आज का मुकाबला वो जीतने के लिए मैदान पर उतरी है या फिर हारने के लिए। पहले उनके बल्लेबाज जो कि शानदार लय में चल रहे हैं वो 4 विकेट अपने गवा बैठे और फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव जैसे मात्र बल्लेबाज बचा जिसने अच्छी पारी खेली, लेकिन फिर गेंदबाजों से जो पूरा पाकिस्तान और भारत उम्मीद लगाए बैठा था उन्होंने उस गेंदबाजी पर भी अमल नहीं किया और इस मैच को जानबूझकर हारा। लेकिन मेरा मानना यह है कि भारत भले ही मुझे और मेरी टीम को T20 वर्ल्ड कप से अभी बाहर कर देगा, लेकिन अगली साल हम एक नई वापसी कर मैदान पर उतरेंगे और उस साल में बताएंगे कि आखिरकार भारत की औकात हमारे आगे क्या है और भारतीय टीम जिस पर अभी हम निर्भर कर रहे थे वो हमारे किसी काम नहीं आई। उस वक्त भी हम ऐसा ही करेंगे और भारत को बता देंगे कि हमारी टीम में भी दमखम है वर्ल्ड कप जीतने का। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर बाबर आजम ने ये बड़ा बयान देकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को भड़कने पर मजबूर कर दिया है। और अब आप सभी को क्या लगता है, क्या ये सही कह रहे हैं या फिर गलत? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।